बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में घी या पनीर की सब्ज़ी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज, दो टमाटर, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 kg पनीर और 1 कद्दू। इन सभी को पहले बारीक चॉप करेंगे। तो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, इन सभी को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे साइड में रखेंगे और अब घिया को भी बारीक चॉप करेंगे। तो इसे पहले पील करेंगे। तो देखें घिया हमारा कितना खूबसूरत और नाजुक है, इसके अंदर बीज बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे थोड़ा मोटा मोटा कट करेंगे। तो घिया को मैंने काट लिया है, अब इसे साइड में रखेंगे और पनीर को भी छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी कट चुकी हैं, अब इसे साइड में रखेंगे और अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और कुकर रखेंगे, क्योंकि आज इस सब्ज़ी को हम कुकर के अंदर बनाएंगे। तो कुकर हमारा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह गर्म हो जाने देंगे। अब ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे और इसे क्रैकर होने देंगे और फिर बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे और इसे नरम हो जाने तक पका लेंगे। अब चॉप चॉप अदरक लहसुन डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और 1 मिनट बाद पाउडर मसालों को शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/3 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालकर इसे मिक्स करेंगे और फिर चॉप की हुई टमाटरों को शामिल करेंगे। एक से दो टेबल स्पून पानी डालेंगे, क्योंकि मसाले हमारे ड्राई हैं तो जलने का डर है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और टमाटर को पूरी तरह से गल जाने तक पका लेंगे। तो अब इसके अंदर कद्दू शामिल करेंगे और इसे स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुकर का लीड अंदर से बंद करेंगे और 1 से 2 विसिल आने तक इसे पका लेंगे और फिर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और प्रेशर को निकल जाने देंगे। फिर इसे खोलकर चेक करेंगे। कुकर का प्रेशर निकल चुका है, अब इसे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं घिया हमारा गल चुका है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम फिर से ऑन करेंगे। और क्यूब्स में कटी हुई पनीर को शामिल करेंगे। वन टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे और दोबारा हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे और कुकर का लिड बंद करेंगे और फिर 1 मिनट या फिर 1 विसिल लगने से पहले ही गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इसे ठंडा हो जाने देंगे। फिर इसे खोलकर डिश आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसे हरा धनिया से गार्निश करें या ऐसे ही सर्व करें, ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसे रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़।